हेलो दोस्तों, गोविंदन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चलने वाले हैं राजस्थान में, एक बहुत प्यारी सी जगह है। देखो, वैसे मानसून में सब कुछ बढ़िया हो जाता है, हर मौसम में अलग अलग जगह होती है घूमने के लिए। तो जो हमारा राजस्थान है, अगर आप वहाँ हैं या फिर उसके आसपास कहीं भी है, तो हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जहाँ आपको भाई मानसून में कम से कम एक बार तो जरूर जाना चाहिए। उधर राहुल और हमारे दो है दोस्त अजय, बाइक से जाएंगे। भाई बाइक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहाँ के रास्ते ही ऐसे हैं, आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, तो बाइक से चलने वाले। अंकल हमें घुमाने ले जा रहे हैं, तो मेरे को अभी वहाँ का कुछ नहीं पता है, अंकल से पूछते हो आपको पूरी ट्रिप कराएंगे। तो सरप्राइजिंग है, लेकिन कन्फर्म है कि आपको मजा आएगा, काफी प्यारी जगह आपको देखने को मिलेगी। तो फटाफट चलते हैं अभी, और सुबह सुबह अभी 8 बजे तो हम निकल गए अभी। चलो भाई स्टार्ट करो। तो अभी हम आ गए हैं अजमेर से ब्यावर, और अभी हम रास्ते में रुके हैं नीलकंठ महादेव जी का। यहाँ पर मंदिर है काफ़ी प्यारा, और उसे हम पहले दर्शन करेंगे यहाँ पे, और फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। राहुल दे रहे हैं कुछ, कैसे क्या। तो दोस्तों, वहाँ से प्रसाद लेने के बाद में बीलपत्र जो शिव जी भगवान को चढ़ाए जाते हैं, वो हमने वहाँ पे पेड़ था वहाँ से तोड़ लिए हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखो ऐसे, मतलब धार्मिक स्थल तो है ही, लेकिन साथ साथ में प्राकृतिक, आपको प्रकृति के पास लेके जाएगा ये मंदिर, क्योंकि आसपास बहुत सारे पीपल के, बड़ के और भी नीम वगैरह के काफ़ी पेड़ हैं, जो ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और कुएं पे यहाँ पे हेडपम्प सेट किया हुआ है, तो यहाँ से पानी का भी पुरानी चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे अगर आओगे आप। श्रृंग ऋषि की तपोस्थली है, नीलकंठ महादेव के नाम से ब्यावर के नजदीक है। बढ़िया पिकनिक स्पॉट, प्राकृतिक स्थान है। परिवार के साथ, परिवार के साथ सभी आना चाहिए। सावन में स्पेशली शिव जी के धाम के दर्शन करना बढ़िया है। तो श्रावण में इसकी महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको बताइए शिव जी का। और इस बार तो 2 महीने का श्रावण है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आइए ज़रूर और यहाँ दर्शन करिए। तो यहाँ पे अभी हमने महादेव जी के दर्शन कर लिए, और पुजारी जी ने बताया कि ऊपर माता वैष्णो का मंदिर है, तो वो हम चलने वाले हैं। यहाँ से कुछ 100-150 मीटर है, तो सीढ़ियों से रास्ता है। आइए, तो रास्ते को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि यहाँ से बारिश का पानी बहते हुए जाता होगा। बाहर देखिए आपको बिल्कुल पहाड़ पे हरियाली नज़र आ रही है बिल्कुल, और यहाँ से गुफा है, और अभी ये गुफा बंद कर रखी है, बाकी गुफा को ताला लगा दिया। पास में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी मंदिर तक जाने का रास्ता है यहाँ से, लेकिन अभी किसी कारण से बंद कर रखी है। बाकी रास्ता दूसरे साइड से अपन तो किसी से चलते हैं। जिस हिसाब से इसको बनाया है, मेरे को लग रहा है कि नवरात्र के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ वगैरह रहती होगी, तो उस हिसाब से धूप धूप से बचने के लिए इन्होंने ये टी शेड वगैरह सेट कर रखा है। और ऐसा बोलते हैं कि महादेव जी के दर्शन करने के बाद अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ भी दर्शन करते हैं, तो आपकी यात्रा पूरी होती है, और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आप जब भी यहाँ आए, महादेव जी के दर्शन के बाद में माता वैष्णो के दर्शन जरूर करें और यहाँ पूजा करें। चलिएगा, भी आगे चलते हैं, हमें ब्यावर से और आगे चलना है, और ये अजमेर से कुछ 50 किलोमीटर होगा, 50-55 किलोमीटर है, वहाँ पे एक मंदिर है, तो आप जरूर आइए। तो वहाँ पे हम वैष्णो माता के दर्शन कर चुके हैं। उसके बाद कहा जाता है कि अगर भैरव जी के दर्शन ना करे जाएं, तो ये दर्शन पूरे नहीं होते, क्योंकि भैरव जी का जहाँ भी आप देखेंगे, वैष्णो माता के मंदिर जहाँ पर भी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में, उसके बाद में भैरव जी का मंदिर हर जगह आपको मिलेगा। यहाँ आप देखिए, आपको अगर थोड़ा दिख रहा होगा तो काफ़ी बड़ा सा चक्र बना हुआ है, तो ऐसी मान्यता है कि इस चक्र से उनका
उनकी गर्दन काट दी गई थी और उनके बाद से ही उनकी पूजा हमेशा यहाँ कलयुग में भी जहाँ पे भी वैष्णो माता का मंदिर होगा वहाँ पे भैरव के दर्शन आपको जरूर मिलेंगे। तो वहाँ पे आप उनको दर्शन करके इस यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। तो चलिए हम भी आपको यात्रा को पूरी करवा देते हैं और दर्शन कर लेते हैं भैरवनाथ जी के। यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा। आप देखेंगे तो वहां पे वैष्णो माता का मंदिर है और थोड़ा सा नीचे आपको अगर उधर दिख रहे होंगे या राहुल अमन वगैरह खड़े हैं, सामने नीलकंठ महाराज जी का मंदिर है। तो तीनों ऑलमोस्ट 100 मीटर के दायरे में है। तो आप यहाँ भी आइए ब्यावर राजस्थान और आपको ये हरियाली देखने को मिलेगी। और आपकी किस्मत है कि अगर उस टाइम बारिश हो तो यहाँ नज़ारे और आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख लीजिए, बिल्कुल बड़ा पुराने तरीके से बनाया गया है इस मंदिर को। तो भाई अभी हम वहाँ पे भैरव जी के दर्शन करके आए थे और ये लोग एकदम एंड करने वाले थे, लेकिन भाई नीचे आए हैं और अंकल जी के साथ आए हैं तो ऐसे फुल मजे होने वाले हैं यहाँ पे। और भैया है यहीं से ब्यावर से, तो हमारे लिए नाश्ता ले आए हैं अंकल जी के नोन है। और भाई देखो नाश्ते में भी फुल ऐसा, हम पहले नाश्ता कर चुके थे यहाँ पे, जलेबी ब्रेड पकौड़ा कचौरी कढ़ी जो कि यहाँ राजस्थान की काफ़ी फेमस है, तो वो सब पहले खाए थे और फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो पहले नाश्ता कर लेते, मेरे को जलेबी काफ़ी पसंद है तो जलेबी खा लेता हूँ मैं। थैंक यू भैया। तो अभी भाई यहाँ पे नाश्ता कर लिया है, थैंक यू भैया और अंकल उनके साथ में, उनको धन्यवाद। बाकी मस्त मजा आ गया जलेबी खा के। तो ये हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं और आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस ब्लॉग को कमेंट करेंगे। बाकी आगे चलने वाले और जहाँ पे हमें अंकल ले जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, लेकिन आपको इस चीज़ की गारंटी है कि आपको बिल्कुल मज़ा मिलेगा और आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और इस ब्लॉग को आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।